आज हम इस वीडियो में डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। मैंने आप सभी के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे छः बड़े से बड़े डेसिमल्स नंबर्स ले रखे हैं। मैं इनका आप लोग के सामने मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम कितने से कितने बड़े डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लाई करें 3 to 5 सेकेंड में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को ईजिएस्ट वे में सॉल्व करते हैं। 1.009.0007। तो यार हमें करना क्या है, आप लोग हमेशा एक चीज़ याद रखना है, इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 0.1.009.0007 तो आप लोगों को ना बस इसका जो नंबर्स है यानी 1, 9, 7 इनको बस मल्टीप्लाई कर देना है 1 × 9 × 7। गाइस ये कितना होता है, 7 × 9 = 63। तो सिंपल सा आप लोग को यहाँ पर जो है 63 लिख लेना है। लिख लिया आपने, अब आप लोग को एक चीज़ नोट करना है यहाँ पर कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 1, 2, 3, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 डिजिट है। यानी यहाँ पर आपके पास टोटल 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है। 4 + 3 = 7 + 1 = 8। तो आप लोग को ना 1, 2, 3, 4, 5, 6.0 समझ में आया नहीं आया, दोबारा देखते हैं। 4 डिजिट यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4, 3, 7, 1, 8 हुआ और 2 हमारे पास पहले से ही थे, तो हमें सिर्फ 6 जीरो लगा देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाए और 2 डिजिट तो हमारा इससे आ गया था ना, 1 × 9 × 7, इसको मल्टीप्लाई किया तो 63 आया था। तो हमारा जो आंसर आया फाइनल वो आया 0.6063। गाइस यही आंसर है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पर 2 है 3 है 6 है, 2 × 3 × 6, 6 × 18, 18 × 2 = 36। सिंपल सा 36 को आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया, अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है एंड 1 डिजिट है। 2, 3, 1, 3 + 2 = 5 + 1 = 6 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लो आ गया आंसर। गाइस यही आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो मैंने फर्स्ट में बताया सेकेंड में बताया वही थर्ड में अप्लाई करेंगे। 9, 2, 1, 9, 2, 1, 9, 2 = 18 है। सिंपल सा आप लोग को 18 यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, 2 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 + 2 = 7 + 3 = 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.0। दोस्तों यही आंसर है इतने बड़े नंबर का, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के सामने यही आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। गाइस वही करना है, 1, 2, 6, 2, 6 × 12, 12 × 24, 24 × 1 = 24। लिख लिया, अब आएगा स्टेप आपको पता ही होगा, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट, पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट, अब पॉइंट के बाद क्या है 1, 2, 3, 4। टोटल कितना हो गया, 4 + 2 + 2 + 2, 6 + 4 = 10 और 2 पहले से हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.0 लो यही आंसर है। इतने बड़े डेसिमल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के सामने आंसर यही आएगा 101%। तो यार ये था कि 0.009 और 0.007 और 0.0028 उसके केस में हम ऐसे करते हैं, बट आप लोगों के सामने अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए और ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए तो घबराना नहीं है, इसके लिए भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये रहा अपने पास एग्जाम्पल 2.5, 3.23। तो सिंपल सा यार आप लोगों को ना 3.23 लिख लेना है, देन
2.5। अब करते हैं इनका मल्टीप्लाई, 5 3 15, 1 विल बी कैरी ऑन, 5 2 10, प्लस 1 11, 1 विल बी कैरी ऑन, 5 3 15, प्लस 1 16, 3 2 6, 2 2 4, 3 2 6। सिंपल सा आपको 5 लिख देना है यहाँ पे, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, ये आपके पास आया। अब आपको एक चीज़ चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, यानी 1 2 3 डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा। गाइस यही था, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने पुटअप होते हैं तो ऐसे करेंगे, बट 6th क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जिससे आपको डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स विजिबल, यस इट्स विजिबल, 5 3 15, 1 5 2 10। गाइस इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, दिक्कत बस ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग को नहीं आते हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख के जाना और आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। तो 3 3 9, 3 0 0, 3 2 6, 5 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 1 7। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, पॉइंट के बाद कितना है, 1, 1 प्लस 1 2, यानी सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा। गाइस यही था आंसर कि कैसे हम सॉल्व करते हैं डेसिमल्स नंबर को। आई होप कि ये 6 के 6 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर डाउट्स होता है, क्वेरीज होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग की रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम्हारा भाई आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और ऐसे ट्रिक्स ढूंढ के लाता है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।